स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। तो दोस्तों, आज हम इस वर्डप्रेस की सीरीज में शुरुआत कर रहे हैं वर्डप्रेस पे ब्लॉग वेबसाइट बनाने की। तो स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियो सारी देखिएगा ताकि आप एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर पाओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस के साथ साथ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर लगभग 600 के आसपास लेटेस्ट वीडियोस का कंटेंट है और इस साल 2021 में हम आपको लगभग 1000 के आसपास वीडियोस और 30-35 नई सीरीज दे रहे हैं ताकि आपको हम डिजिटली एम्पावर कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम अपनी सीरीज में शुरुआत कर रहे हैं वेबसाइट, एक ब्लॉग वेबसाइट बनाने की। तो प्रॉपर प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल तरीके से आपको अब हम ब्लॉग बनाना सिखा रहे हैं। तो ध्यान से सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपना जो जब थीम अपना हमने इंस्टॉल कर लिया था, तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट थीम से हमारा इंस्टॉल्ड थीम का ये सारा का सारा यहाँ पर शो हो रहा है हमारे डोमेन पे। और ये जो आप ऊपर बार टाइटल बार या मेन्यू बार देख रहे हो, ये सिर्फ तभी आएगा जब आप अपने बैकएंड के अंदर आप लॉगिन हो और ये सिर्फ आपको दिखेगा, ना कि किसी यूजर को। अब हम जब बनाना शुरू करेंगे तो अपीयरेंसेस में जहां पर थीम हमने डाउनलोड करी थी उसके नीचे हम जाएंगे कस्टमाइज पे, बिकॉज यहीं पर जाकर अब हम अपना ब्लॉग बनाने की शुरुआत करेंगे। तो ब्लॉग बनाने की शुरुआत के लिए अब हम कस्टमाइज के जब सेक्शन में आ गए, तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। पहले तो हेडर के अंदर हम टाइटल, टैगलाइन, लोगो और साइट आइकॉन कैसे लगा सकते हैं, और फिर आगे आने वाली वीडियोस में आपको हर अलग अलग सेक्शन की अलग जानकारी देंगे ताकि आप बहुत इजीली चीजों को सीख सकें। तो दोस्तों, हेडर क्या है? ये जो आप ऊपर टॉप में सब देख रहे हैं, दिस इज अ हेडर, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के पहले हम हेडर में बताएंगे टाइटल। तो टाइटल हमें अगर करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए, इधर ये जो आप देख रहे हो एडिट का आइकन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए जहाँ पर माय ब्लॉग लिखा आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए साइट टाइटल, ठीक है। इधर अभी माय ब्लॉग लिखा आ रहा है, तो अभी हम डेमो के लिए आपको जो ब्लॉग साइट बनाना सिखा रहे हैं, तो वे मैं MF मतलब मार्केटिंग फंडस ब्लॉग साइट बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी लिख दूंगा MF ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये मेरे वेबसाइट का यहाँ पर साइट टाइटल आ गया MF ब्लॉग्स। तो इस तरीके से आप अपनी साइट में टाइटल दे सकते हो। अब हम लोगो को करेंगे सर। दोस्तों, देखो लोगो आ रहा है, तो हम अपना लोगो सेट करेंगे। अब तो लोगो सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, मीडिया के अंदर जाके आप अपनी फाइल्स को अपलोड कर लें, चाहे वो आपके लोगो हैं, चाहे आपकी अदर गैलरी इमेजेस हैं, बैनर है, कुछ भी है, ताकि उसको आप यूज़ कर सकें लाइब्रेरी से, या डायरेक्ट भी अपलोड करना चाहते हो तो अगर आपके सिस्टम में है, फोल्डर्स में है, तो आप सीधा अपलोड पर क्लिक करो। अपलोड पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल्स पे जाइए। सेलेक्ट फाइल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो जिस भी फोल्डर में हमने रखा है अपना, ये हमने इधर से, सॉरी ये हमारा फोल्डर नहीं है, एक सेकंड, तो ये हमने अपने इमेज के फोल्डर को हमने ओपन कर लिया। तो इसी तरीके से आप भी अपना डाटा बैंक या तो मीडिया में बना लीजिए या अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर में बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना लोगो अपलोड करना है, तो हम अपना लोगो सेलेक्ट कर लेंगे, वो वाला पर्टिकुलर इमेज, और उस इमेज को यहाँ पर
डाउनलोड कर लिया। अब ये देखिए हमारे यहाँ पर लोगो आ गया, तो यहाँ पर आप उसके डायमेंशंस पिक्सल्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अपना लोगो अपलोड करें तो उसमें आप ऑल टेक्स्ट डाल लें। ऑल टेक्स्ट दोस्तों ये एसईओ फ्रेंडली रहता है, बिकॉज गूगल जब भी आप एसईओ करोगे वेबसाइट का या आप प्रमोशन करते हो तो उसमें इमेज को कोई रीड नहीं करता सर्च इंजन, वो उसके जो हमने डिस्क्रिप्शन दी है उसमें जो हमने कीवर्ड या वर्ड यूज़ करे हैं उसको वो करता है। तो इमेज एसईओ के लिए ऑल टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लाइक मार्केटिंग फंडास लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया और यहाँ पर ये सारी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसके लोगों का टाइटल कैप्शन डिस्क्रिप्शन ये भी आप डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी वेबसाइट जो है कंटेंट रिच बनेगी, हर एक चीज़ की अपनी आइडेंटिटी होगी और ये एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हो तो आप उसको क्रॉप कर सकते हो, जो उसे भी करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो सीधा आप स्किप भी कर सकते हो। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर देखिए हमारा लोगो आ गया है। अब दोस्तों यहाँ टॉप में लोगो आ गया, उसके संग हमारा टाइटल आ गया है। तो ये आपकी मर्जी है, आपको सिर्फ लोगो रखना है। अगर आपको टाइटल रखना है साथ में तो रखिए, अगर आपको टाइटल नहीं रखना है तो आप डिस्प्ले साइड टाइटल को अगर यहाँ से बंद कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो टाइटल है वो शो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर लेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर टैगलाइन, डिस्प्ले साइट टैगलाइन को हम यहाँ पर ऑन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केटिंग फंडास का मेरा लोगो आ रहा है और साइट टाइटल में मैं डिजी सॉफ्टवेयर लिखना चाहता हूँ, जो हमारी कंपनी है, ये हमारा ब्रांड है मार्केटिंग फंडास डिजी सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी, तो मैं यहाँ पर डिजी सॉफ्टवेयर भी लिख सकता हूँ। या ये मेरा लोगो आ गया और यहाँ पर मैं एम एफ ब्लॉक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी एम एफ की ब्लॉक की वेबसाइट है। तो लॉजिक होना चाहिए, अगर आप साथ में कोई भी टाइटल या सब टाइटल डाल रहे हैं बिना लॉजिक की कोई चीज़ मत लिखिएगा उसको। आप क्या कीजिए, टाइटल डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं टाइटल से रिलेटेड तो टैगलाइन से रिलेटेड, तो मान लीजिए हमारी टैगलाइन है एम्पावरिंग डिजिटल इंडिया, तो ये हमने यहाँ पर टैगलाइन डाली, ठीक है। अब हम देखिए हमारी टैगलाइन यहाँ पर आ गई है। तो इधर आप इस तरीके से आपका हेडर अब तैयार हो रहा है। तो ये लोगो का अगर आपको साइज बढ़ाना घटाना है तो आप इस तरीके से हेडर का अपना जो साइज है तो विड्थ ये बड़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और जो भी आप चीज़ें कर रहे हो लाइव आप यहाँ पर देख सकते हो कैसी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये हमने आपको दो से तीन चीज़ें बताई, अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो यहाँ से और ना हटाना चाहो तो आप इसको टिक रहने दो। तो अब हम यहाँ पर इसको अभी प्रेजेंटली इसको हटा रहे हैं और सेट टैगलाइन को, ठीक है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखें, हमें अभी नहीं रखना है इसलिए हमने हटा दिया। तो अब दोस्तों हमने टाइटल टैगलाइन लोगो के बारे में जाना, अब हम जानेंगे साइट आइकन जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब साइट आइकन क्या होता है वो समझ लीजिए, ये जितनी भी वेबसाइट्स में आप देखते हो ऊपर इसको फेव आइकन भी कहते हैं, इसको साइट आइकन भी कहते हैं, ये लगाना भी ज़रूरी है और वो आपकी एक आइडेंटिटी शो करता है। तो आप उसके लिए यहाँ देखिए साइट आइकन आ रहा है सेलेक्ट, और इसके लिए ना जो भी आप इमेज या कुछ भी यूज़ करें उसका एक रिकमेंडेड साइजेस भी यहाँ पर आपको बताए होते हैं। तो जब भी आप अपने डिज़ाइनर से कोई भी चीज़ डिज़ाइन कराएं तो उन साइजेस फाइल को अपलोड भी कर सकते हो यहाँ से जाके, जैसे मैंने पहले कर रहा था। साइट आइकन को सेलेक्ट करें, साइट आइकन है ये जो आप देख रहे हैं मेरी वेबसाइट में मार्केटिंग फंडा से जो ऊपर टॉप में आ रहा है वर्डप्रेस में इधर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड साइट आइकन। इसका साइज देख लीजिएगा और यहाँ पर अपना एम एफ साइट
आइकन लिख दीजिएगा, जो भी आपको इसका इमेज का नाम देना है ज़रूर दीजिएगा और ये सब फिल कीजिएगा। इससे वेबसाइट कंटेंट रिच बनेगी, इससे फ्रेंडली बनेगी। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आ गया। अगर हमें क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हमारा साइट आइकन आ चुका है और अब हम इसको पब्लिश करेंगे। जितना भी हमने वर्क करा है, तो हमने इस वीडियो के अंदर हेडर बनाना सीखा है, तो हेडर के अंदर टाइटल, टैगलाइन, लोगो और साइट आइकन कैसे लगाते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम मेन्यू बार्स के बारे में सीखेंगे। पब्लिश करेंगे अब। तो देखिए जैसे कि हमने पब्लिश कर दिया है, रिफ्रेश करेंगे और वेबसाइट को भी रिफ्रेश करेंगे, वहां पर देखेंगे डिजायर्ड चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, लोगो आ गया, हमारा साइट आइकन आ गया। अगर हमने टैगलाइन और वो लगाया होता तो वो भी आ जाता, ठीक है। माय यहाँ पर देखिए ये हमारा टाइटल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हेडर में चेंजेस करने थे वो हमने कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने जाना ब्लॉग वेबसाइट किस तरीके से हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन सीखा हमने उसके अंदर थोड़ा बहुत। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा और ये सीरीज़ आप पूरी देखोगे अगर आपको वर्डप्रेस में एक एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है और आगे चल के इसमें आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में करियर बनाना है। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग डायरेक्ट मेरे से लेना चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।